नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विमल मेहरा। 10:50 हो चुके हैं और कल भी मैंने आपको दो अच्छी खबरें दी थी। अब एक और अच्छी खबर यह है कि जिस तरह से डर का माहौल था कोरोना वायरस को लेकर, वो कम हो रहा है। नमस्कार, देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। आज की जो खबर है वो कोरोना वायरस के रिलेटेड है, लेकिन अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि आज कोरोना के एक्टिव केसेस जो 4 लाख में जाने वाले थे वो अब 2 लाख में जो है वो दो लाख जो है कुछ हजार आए हैं। वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको ये जानकारी आप ध्यान से सुनेगा कि आज देश में कुल 2,81,386 कोरोना के मामले सामने आए और उसके बाद जो रिकवर हुए पेशेंट यानी कि जो लोग ठीक हुए उनकी संख्या तकरीबन 4.25 लाख। प्रॉपर फिगर की बात की जाए 3,78,741 लोग कोरोना वायरस से जो ग्रस्त थे ठीक हुए, स्वस्थ हुए और अपने अपने घरों की ओर रवाना हुए। यानी कि आज 2,81,386 मामले नए सामने आए और 3,78,741 लोग जो हैं वो रिकवर्ड हुए, डिस्चार्ज हुए और अपने अपने घरों की ओर रवाना हुए। वहीं अगर टेस्टिंग की जानकारी दूं तो, लेकिन टेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है वो भी कमी देखी गई है, क्योंकि पहले जो है 17-18 लाख जो है टेस्टिंग की गई थी, लेकिन अब जो आज के बीते 24 घंटों की बात की जाए तो 15,73,515 सैंपल टेस्ट किए गए और उसके बाद जो रिपोर्ट जो सामने आई वो ये आई कि 2,81,386 एक्टिव केसेस सामने आए, बाकी तमाम जितनी भी संख्या थी वो नेगेटिव आए। यानी कि 20 ऐसे राज्य कल मैंने आपको बताया जहां पर नेगेटिव रिपोर्ट ज़्यादा आ रही है, पॉजिटिव कम। उसमें से हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भी सबसे आगे है। यानी कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भी अगर टेस्टिंग की जा रही है तो टेस्टिंग में ज़्यादातर नेगेटिव रिपोर्ट सामने आ रही हैं। और अगर बात करें बीते 24 घंटों की 15,73,515 सैंपल जो है वो टेस्ट किए गए और देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस की 6,91,211 वैक्सीन जो है वो लगाई गई। यानी कि हर 24 घंटे में 6 से 7 लाख के बीच वैक्सीन जो है लोगों को लगाई गई और जिसके बाद पूरे भारत में 18,29,26,460 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बहुत बड़ा देश है हमारा और अब लगभग जो है 18 करोड़ से 18.5 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन लग चुकी है। कल जिस तरह से स्पेशल ड्राइव चलाई गई जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और हमने डीसी जम्मू अंशुल गर्ग साहब से बातचीत की, उन्होंने कहा कि 98% जो लोग हैं जो जिनकी उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा है उनको वैक्सीन का फर्स्ट डोज जो है वो लग चुका है। सिर्फ 2% लोग जो रहते हैं उनके लिए हमने स्पेशल ड्राइव चलाई। अब जो स्पेशल ड्राइव जो कल चली उनमें जो 2% लोग थे सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, उन तमाम लोगों को जिनकी उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा है उन सभी को जो है वैक्सीन लगाई गई है। अभी जो लोग रहते हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा है जो जम्मू में रहते हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, अगर वो आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके रिश्तेदार हैं, अगर उनको 45 वर्ष से अधिक हैं वो, अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई तो उनको आप कहिए वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन के जो है वैक्सीन आपको लग जाएगी। क्योंकि जो स्पेशल ड्राइव जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चलाई जा रही है उनमें सभी लोगों को तकरीबन जो है वैक्सीन लग चुकी है। 2% लोगों को लिए स्पेशल ड्राइव चलाई गई। अगर आपके रिलेटिव, आपके पेरेंट्स या आपके कोई भी जानकार हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, जिनकी उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा है, तो उन्हें आप वैक्सीन जो है ज़रूर लगाइए। इसी के साथ साथ इस वक्त जिस तरह से बीते 10 दिन की बात की जाए तो आंकड़े जो देश में थे वो लगभग जो है 37 लाख ही रह रहे थे, लेकिन इसमें भी जो है गिरावट देखी गई है। गिरावट ये हुई है कि अब सिर्फ इस वक्त इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में 35,16,997 जो है एक्टिव केसेस है। क्योंकि जब से कोरोना पीक में था तो ये आंकड़े जो इतने रह रहे थे, 37 लाख रह रहे थे, 38 लाख रह रहे थे, लेकिन अब इनमें कमी आई है क्योंकि कोरोना के एक्टिव केसेस जो हैं उनमें गिरावट हुई है। यानी कि ग्राफ जो है अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि कोरोना का जो पीक समय था वो बीत चुका है, अब एक अच्छे समय का इंतज़ार है जो कि आने वाला है। कहते हैं हर एक बुरे समय के बाद एक अच्छा समय आता है और उसके बाद हेल्पिंग हैंड के नाम से एक जम्मू में टीम बनी है। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, भगवान ना करे,
तो अगर आपने अपने आप को होम आइसोलेट किया है तो आपको कोई भी ज़रूरतमंद सामान चाहिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यानी कि आपको दवाइयों की ज़रूरत है, अगर आप दवाइयाँ नहीं ले सकते तो आपको दवाइयाँ जो हैं वो फ्री मिलेगी, मेडिसिन फ्री मिलेगी। आपको सैनिटाइज़र चाहिए वो भी आपको फ्री मिलेगा। आपको खाना चाहिए, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, वो भी आपको मिलेगा। ये तमाम लोग जो हैं ईश्वर का रूप लेकर आते हैं। सौरभ जी जो हैं वो इस हेल्पिंग हैंड को चला रहे हैं, यानी कि हर किसी की मदद जो कोरोना से ग्रस्त है। बहुत खूबसूरत जो है ये खबर है, क्योंकि जो लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं, जो लोग जिनको ईश्वर ने बहुत ज़्यादा दिया होता है, वो लोग इनिशिएटिव अगर लें तो बहुत सारे ऐसी एनजीओज भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो टीम बनाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, चेन बनाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। संकट का समय है और उम्मीद करते हैं इस संकट के समय के बाद जब अच्छा समय आए तो हमारा देश, हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भी खुशहाली से झूम उठे, सब लोग अपने अपने घरों में जो हैं वो अपने अपने जो है कामों में दोबारा जाएं। और इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कल एक फैसला लिया गया जिसमें 2 दिन जो है दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई है, और उसमें यह भी कहा गया था कि सिर्फ जो है जिन दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई है उनमें सिर्फ जो है 3 से लेकर 5 बजे तक उनको जो है खोलने की अनुमति दी गई है, और ये दुकानें जो हैं सिर्फ जो और सिर्फ जो है इंस्पेक्शन के लिए, जो स्टॉक के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जैसे कपड़ों की दुकानें होगी, ड्राई फ्रूट की दुकानें होंगी, तो बंद पड़े में सामान भी जो है ख़राब हो जाता है। तो अब उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो है इंस्पेक्शन फॉर ऑफ स्टॉक, यानी कि दुकानों की जो है साफ़ सफाई की जाए, 2 घंटों के लिए उन्हें अनुमति दी गई। यानी कि वेडनेसडे को एक अलग दुकानें खुलेंगी, यानी कि जो मैंने कल आपको डिटेल बताई थी, और थर्सडे को अलग दुकानें खुलेंगी। 3 से लेकर 5 बजे तक का समय रहेगा, और ये इनिशिएटिव जो लिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया क्योंकि जो दुकानें बंद पड़ी हैं कहीं ना कहीं उनका सामान जो है वो भी ख़राब हो जाता है, तो इसी के लिए ये फैसला लिया गया। अंशुल गर्ग साहब ने जो है ये ट्वीट किया था, जम्मू के DC ने, और ये जानकारी हम आपको एक बार फिर से दे दें कि आज देश में जो है कोरोना के मामले कम देखे गए, क्योंकि जब संकट का समय था 4 लाख तक जो है कोरोना के केसेस गए, और उसके बाद कोरोना के केसेस में जो है अब धीरे धीरे गिरावट आ रही है। वो जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं, हर एक जानकारी आप तक जो है पहुंचाना ज़रूरी है। और अब देश में जो है कुल एक्टिव केसेस 35 लाख रह चुके हैं। आप दुआ कीजिए कि ये संकट का समय जल्दी से बीत जाए और गिरावट आए, और जो एक्टिव केसेस इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में हैं वो जल्द से जल्द जो है वो कम हो जाएं। और एक और अच्छी खबर आपको बता दूं, 2DG जो पाउडर है जो कोरोना पेशेंट्स को दिया जाएगा उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला है फाइनल ट्रायल में भी, और अब वो अगले हफ्ते जो मार्केट में आ जाएगा, यानी कि उन लोगों को दिया जाएगा जो कोरोना से ग्रस्त है। पहले 10,000 लोगों को जो है उनको दिया जाएगा 2DG पाउडर जो आने वाला है, तो उसके बाद जो है ये मार्केट में आएगा। नेजल स्प्रे की बात की जाए तो नेजल स्प्रे में भी जो है अब जो है फाइनल ट्रायल उसका जो है जून में ख़त्म हो जाएगा। अगर ट्रायल जो है सक्सेसफुल रहा तो जल्द ही ये नेजल स्प्रे मार्केट में आ जाएगी। भारत बायोटेक का जो है अभी ये सर्वे चल रहा है, यानी कि ट्रायल जो है चल रहा है। उम्मीद कीजिए, अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान वाहेगुरु, सबसे जो है आप जिस भी धर्म को मानते हैं या आप जिस भी धर्म के हैं, अपने अपने ईश्वर से दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द ये कोरोना की महामारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाए, जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो जाए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से ख़त्म हो जाए, ताकि हम फिर से खुशहाली भरा जीवन व्यतीत कर सकें। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। नमस्कार।